मोहनिया माँ मुंडेश्वरी गेट जो कि बहुत व्यस्ततम जगह चांदनी चौक जीटी रोड मोहनिया महावीर श्वेत मंदिर के जस्ट मतलब चांदनी चौक के ऊपर NH2 जो कि दिल्ली और कोलकाता से डायरेक्ट जोड़ता है उसके ऊपर स्टुअरगंज मार्केट के कुछ लोग मोहनिया के सभी लोग मतलब वहाँ पे आदि मतलब इसे सभी लोग मिलकर फल पानी और बिस्कुट का प्रबंध कर ट्रक पर से जो भी लोग ट्रक गुजर रहा था उन लोगों को दिया गया। आप मैं बता दूँ मेरे जानकारी के लिए कि कोई भी अगर आ रहा है यात्री तो कहाँ से आ रहा है कैसे है, जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन है और ऐसा हिंदुस्तान में जो कि बहुत महामारी है सब फैला हुआ है कोरोना वायरस वगैरह, तो आप जानते हैं इसके वजह से लॉकडाउन है पूरे देश में जो कि अभी आज से 13 दिन लॉकडाउन और बाकी है जो कि ये हम मोहनिया है जो बिहार के कैमूर जिला में सामने माँ मुंडेश्वरी गेट है जो कि ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक का आवागमन होता है लेकिन आज इतना आवागमन नहीं क्योंकि कोरोना का प्रभाव जो भी लोग उधर से आते रहे लोगों को फल और पानी और बिस्कुट का प्रबंध कर इन लोगों ने नीचे से एक के लिए कैरेट बांध कर मंगा कर ऊपर बांटते दिखे। आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट सामने ट्रक जो कि ट्रक से बिहार के मजदूर यात्रा कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं यात्रा कर लीजिए मजबूरी कर लीजिए जो भी कह लीजिए इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोग अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। कोई पैदल जाते दिखा तो कोई ट्रक से तो कोई बाइक से तो कोई यानी जैसे जिसको सुविधा मिली वैसे वो चलने का प्रयास किया। मेरा न्यूज़ कैसा लगा और मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसा ही न्यूज़ बनाता रहता हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में प्रेस आइकन घंटा आएगा उसको दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं ऐसे ही न्यूज़ बनाता रहता हूँ, न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। देख सकते हैं ट्रक में कितने मजदूर हैं लोगों को फल केला यानी इन लोगों ने उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया। एक ही अपने आप में बहुत सराहनीय है और बहुत ही मायने रखता है कि जो भी कर रहे हैं मालिक भगवान इन लोगों को अच्छा कहे अच्छा इन लोगों को बुद्धि विवेक क्योंकि हर राज्य में आप जानते हैं कि कोई लोग खाना खिचड़ी पूड़ी सब्जी मास्क बांट रहा है कोई हर तरह की जो भी आप इसमें सुविधा देना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत चालक से पूछे कोई प्रॉब्लम तो बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं बता दूँ कि इन लोगों ने बहुत अच्छा ये प्रयास किए और सफल हो और मैं चाहूँगा कि मेरे देश में जितना भी बीमारी है सब खत्म हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी न्यूज़ कैमूर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट मानिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।